जिंदगी का सफर करने वाले, जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले, अपने मन का दिया तो जला ले, जिंदगी का सफर करने वाले, जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले, अपने मन का दिया तो जला ले। रात लंबी है गहरा अंधेरा, रात लंबी है गहरा अंधेरा, कौन जाने कहाँ हो सवेरा, कौन जाने है अनजान मंजिल का राही, चलते रहना ही है काम तेरा, चलते रहना ही है काम तेरा, रोशनी से डगर जगमगा ले, रोशनी से डगर जगमगाने, अपने मन का दिया तो जला ले, अपने मन का दिया तो जला ले, जिंदगी का सफर करने वाले, जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले, अपने मन का दिया तो जला ले, सोनी सोनी ये मंजिल की राहें, सोनी सोनी ये मंजिल की राहें, चूमना तेरे कदमों को चाहे, चूमना तेरे को चाहे, गहन वन में कहीं खो न जाना, गहन वन में कहीं खो न जाना, भटक जाए ना तेरी निगाहें, भटक जाए ना तेरी निगाहें, हर कदम सोच कर तू उठा ले, हर कदम सोच कर तू उठा ले, अपने मन का दिया तो जला ले, अपने मन का दिया तो जला ले, जिंदगी का सफर करने वाले, जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले, अपने मन का दिया तो जला ले, अपने मन का दिया तो जला ले। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रकाश चाहिए, गुरुओं से, वेद से, शास्त्रों से, ऋषियों से, भगवान की भक्ति से, ध्यान से हमें प्रकाश मिलता है। इसलिए गुरु का, वेद का, शास्त्र का,
ऋषियों की आज्ञा का हमें एक बार भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए। गुरु, वेद, शास्त्र, ऋषि और जो हमारी आत्मा में परमात्मा की जो प्रेरणा होती है उसके प्रति हमारी निष्ठा अखंड रहे। जिस क्षण हमारी निष्ठा टूट जाती है उस दिन हम स्वयं भी टूट जाते हैं। कुछ ऐसे बिंदु हमें तय कर लेने चाहिए जीवन में, हमें अपनी निष्ठाएं तय कर लेनी चाहिए, हमारे श्रद्धा के केंद्र उनके बारे में हमें एक निर्णय कर लेना चाहिए कि मुझे समर्थ गुरुसत्ता के संदर्भ में, वेद के संदर्भ में और जो सत्य शास्त्र हैं। महर्षि दयानंद ने एक बहुत गहरी बात कही है, इस आर्यावर्त देश का एक यह भी दुर्भाग्य रहा कि जो संस्कृत में लिखा उसी को हमने शास्त्र मान लिया, इसलिए इस शब्द का प्रयोग करना पड़ रहा है। जो ऋषियों के ग्रंथ हैं, जो आप्त पुरुषों के वचन हैं, जो सत्य शास्त्र हैं, उनको ऋषियों के ग्रंथों को आर्ष ग्रंथ कहा जाता, उन ग्रंथों की मैं बात कर रहा हूँ। समर्थ गुरु सत्ता में वेद, क्योंकि स्वतः प्रमाण है, ईश्वरीय वाणी है, वेद निर्भ्रांत सत्य हैं, और जो आप्त पुरुषों के वचन हैं, आर्ष ग्रंथ हैं, उनमें ऋषियों में, ऋषियों के चरित्र में और स्वयं में हमारी श्रद्धा हो। कभी कभी गुरुओं को खोजने में, समर्थ गुरुओं की तलाश में भ्रांति हो सकती है, गुरु की पहचान में भ्रांति हो सकती है, यह हो सकता है कि कोई ऐसा अवसर हो कि गुरु से हम सीधा संवाद ना कर सकें, ऐसा भी जीवन में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, व्यावहारिक बहुत से क्षण होते हैं, आध्यात्मिक ऐसे निर्णय होते हैं जहां हम गुरु से सीधा संवाद ना कर सकें। चारों वेदों की ऋचाएं हमें उपस्थित ना हो, या जिस संदर्भ में हम निर्णय ले रहे हैं उस संदर्भ में हमें कोई शास्त्र प्रमाण, वेद का प्रमाण समझ में ना आ रहा हो, आप्त पुरुषों के वचनों को समझने में, शास्त्रों को समझने में, पढ़ने में भी भ्रांति हो सकती है, या हो सकता है हमें उपलब्ध ना हो। ऋषियों के चरित्र को भी समझने में भ्रांति हो सकती है। तो आत्मवेद तो हमारा साथ में, आत्मज्ञान, आत्मवेद, अपनी आत्मा, अपना आपा तो हमारे साथ रहता है, अपनी निजता तो हमारे साथ रहती है। सत्य एक ही है कि हम जो समर्थ गुरु हैं, जिनका ज्ञान, जिनका जीवन, जिनका चरित्र धवल है, उज्ज्वल है, पवित्र है, पावन है, उन गुरुओं को श्रद्धा का हम केंद्र बनाए। वो गुरु तीर्थ होते हैं, वो गुरु सत्ता भगवान का जीवंत रूप होती है, भगवान का मूर्त रूप होती है। गुरुओं के प्रति हमारी कृतज्ञता इतनी गहरी हो कि एक बार भी गुरु के प्रति हमारी अश्रद्धा ना हो। मैं बहुत तर्कशील व्यक्ति रहा हूं, मैंने कई बार इस बात को कहा भी है, बाल्यकाल से ही जब तक तर्क वितर्क से कोई निर्णय नहीं होता है उसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि गुरु के प्रति एक बार भी अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। गुरु के प्रति 100% हमारी कृतज्ञता होनी चाहिए।
गुरु के प्रति निष्ठा में एक क्षण के लिए भी न्यूनता नहीं आनी चाहिए। तो अत्यंत तर्क वितर्कशील होते हुए भी मैंने इस सत्य को स्वयं जिया। श्रद्धेय गुरुदेव प्रद्युम्न जी महाराज जी का तो आप स्वयं आशीष पाते रहते हैं, उनके दर्शन मार्गदर्शन भी आप पाते रहते हैं। गुरु जी से भी आप कभी कोई प्रसंग आए तो आप इस सत्य की जांच पड़ताल भी कर सकते हो। श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य बलदेव जी महाराज, उनसे भी हमने शास्त्र अध्ययन किया, उनसे भी बहुत कुछ सीखा, उनके प्रति भी मैंने यही भाव रखा। जो मैं कहता हूँ कि गुरु माता पिता वेद शास्त्र ऋषि और स्वयं की निजता अपनी आत्मा के प्रति अत्यंत श्रद्धा रखो, श्रद्धा का अतिरेक निष्ठा का अतिरेक और इनके प्रति पूर्ण कृतज्ञता। कृतज्ञता का मतलब है पूर्ण स्वीकार्यता, एक क्षण के लिए भी हमारा विश्वास नहीं टूटे। इससे अपने जीवन में बहुत दिव्यता आती है। और मैं दोनों ही तरह की बात कह रहा हूं। मैंने देखा है उन लोगों को भी जिनकी गुरु में वेद में शास्त्र में ऋषियों में और स्वयं में निष्ठा नहीं होती, उनके जीवन में बड़ी अशांति होती है। न आंतरिक दृष्टि से उनको किसी सत्य की गहरी अनुभूति हो पाती है, न भीतर का सत्य घटित हो पाता है, न बाहर का सत्य घटित हो पाता है। कई बार व्यक्ति बहुत ज्यादा बुद्धि से कार्य लेता है, वहां भावनाओं को दबा देता है। कई बार व्यक्ति जो है वो भावनाओं के आधार पर ही सारी निर्णय लेता है। ये सत्य है कि हमारे निर्णयों में बुद्धि की बहुत बड़ी भूमिका होती है। हमें गुरु का भी वर्ण करना है, हमें गुरु की भी खोज करनी है, तो भी बुद्धि से ही होगी। लेकिन वो खोज पूरी होने के बाद सारे निर्णय तो हृदय से होंगे। इसको लेकर के मतभेद हो सकते हैं कि हमारे निर्णय बुद्धि प्रधान होने चाहिए कि भावना प्रधान होने चाहिए। विवेक तो सब निर्णयों के मूल में रहेगा, लेकिन जब गुरु के संदर्भ में, वेद के संदर्भ में, शास्त्र ऋषियों के संदर्भ में और स्वयं के संदर्भ में आपको निर्णय लेना होगा, तो वहां अंततः भावना का स्थान ऊंचा होगा। आपको कुछ पुस्तकें देंगे, थोड़ा स्वाध्याय कर लेना। स्वाध्याय को हमारी शास्त्रों में, हमारी संस्कृति में, हमारी ऋषियों की परंपरा में नित्य प्रति का कर्म कहा है। छोटे बच्चों को माता पिता कुछ पढ़ाते थे पहले, चाहे रामायण का एक पृष्ठ पढ़ा दे, जो विद्वान होते थे वो वाल्मीकि रामायण पढ़ाते थे, माता पिता को संस्कृत आती थी। जिनको माता पिता को संस्कृत आदि नहीं आते थे, रामचरित मानस की चाहे एक दो चौपाई सुनाई बच्चों को सुनाया करते थे। कुछ माता पिता गीता के एक दो श्लोक और उनका पाठ संस्कृत और हिंदी में पढ़ करके बच्चों को बता दिया करते थे। और विद्वानों की परंपरा में वेद का, दर्शनों का, उपनिषदों का स्वाध्याय निरंतर चलता था। ये क्रम पिछले कुछ दिनों से टूटा है।
हर घर में चार वेद, उपनिषद, कम से कम एकादश उपनिषद, यो तो 100 से अधिक उपनिषद हैं, लेकिन प्राचीन उपनिषदों में 11 उपनिषदों को अधिक प्रामाणिक मानते हैं। चार वेद, ऐसे वेद की भी अलग अलग शाखाएं हैं, कम से कम चार वेद, 6 शास्त्र, दर्शन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा आदि, इसमें कम से कम 4 से 6 शास्त्र, 11 उपनिषद, रामायण, महाभारत अथवा गीता, इनमें से या तो सभी या कुछ शास्त्र घर में जरूर हुआ करते थे। दरअसल हमारे शास्त्रों की विरासत बहुत बड़ी है, इसलिए जो अपने आप को वैदिक धर्मी मानते हैं, जो अपने आप को ऋषियों की संतान मानते हैं, आर्य पुत्र मानते हैं, आज उनको हिंदू भी कहा जाने लगा है, अर्वाचीन शब्द है यद्यपि हिंदू। मैंने एक दिन ये बात कही थी कि भगवान राम, भगवान कृष्ण, हमारे सभी ऋषि मुनि और हमारे सारे शास्त्र, माने वेद, दर्शन, उपनिषद आदि, व्याकरण आदि, अष्टाध्यायी, महाभाष्य आदि, निरुक्त आदि, ये गैर सांप्रदायिक ग्रंथ हैं। और रामकृष्ण आदि महापुरुष, गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनी, पतंजलि आदि महापुरुष भी गैर सांप्रदायिक हैं, पंथ निरपेक्ष हैं। क्यों? क्योंकि संप्रदायों का जब से उदय हुआ उससे पहले का इनका कालखंड है। ईसाई धर्म अस्तित्व में 2000 वर्ष पहले आया, इस्लाम करीब 1400 वर्ष पहले ये शब्द का ही प्रयोग प्रारंभ होना शुरू हुआ, और हिंदू शब्द का प्रयोग भी विगत करीब ये लगभग 2500 वर्षों के आसपास का है, इससे पहले का हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं है। और ये जितने भी महापुरुष हैं और ये जितने भी ग्रंथ हैं, ये सबका कालखंड हजारों, कुछ का लाखों, कुछ का करोड़ों वर्ष का है। इसलिए ये सारे जो ग्रंथ अभी मैंने कहे, ये गैर सांप्रदायिक है। अब दुर्भाग्य ये है कि हम लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत से, अपने आप्त पुरुषों की उस परंपरा से, ऋषियों की परंपरा से हम लोग पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। मैं किसी के आलोचना की दृष्टि से इस बात को नहीं कह रहा हूं, एक सत्य, कई बार जब तुलनात्मक दृष्टि से चीजों को देखते हैं तो चीजें जल्दी समझ में आ जाती हैं। ईसाई के घर में लगभग लगभग बाइबल मिल जाएगी, वो रोज ना पढ़े तो सप्ताह में एक दिन जरूर बाइबल पढ़ता है। लगभग लगभग हर मुसलमान के घर में एक छोटी सी कुरान की पुस्तक मिल जाएगी, उसके लिए बहुत सी संस्थाएं भी कार्य करती हैं, निशुल्क वितरण आदि उनका होता है। साल भर में इसके लिए कई हजारों करोड़ रुपए का और वैश्विक दृष्टि से लाखों करोड़ रुपए का बजट इस कार्य के लिए लगता है। लगभग लगभग दुनिया की सभी भाषाओं में आपको कुरान और बाइबल का ट्रांसलेशन, अनुवाद भी मिल जाएगा। विश्व की भाषाएं तो छोड़िए, हम अपनी भाषा में क्या वेदों को उपलब्ध करा पाए? हर एक अपने आप को जो हिंदू कहता है, ऋषि पुत्र कहता है, रामकृष्ण की संतान मानता है, ऋषियों की संतान मानता है, उसके घर में क्या चार वेद, उपनिषद, दर्शन, रामायण, महाभारत या गीता आदि शास्त्र हैं? तो लगभग 95 से 99% घरों में ये शास्त्र नहीं मिलेंगे। उनके घरों में रोज शायद 10 से 20 रुपए की अखबार, 25-50 रुपए की कोई पत्रिका आ जाती होगी, और उनके घरों में तमाम तरह के नोवेल क्या बोलते हैं उनको, जो उपन्यास और कई तरह की और पुस्तकें मिल जाएंगी। कानून की मैंने देखा घरों में बहुत सी पुस्तकें रखी होंगी, और तमाम तरह की माताओं बहनों के खाने पीने से संबंधित कौन सी बुक बोलते हैं उनको,
रेसिपी बुक्स मिल जाएंगी, लेकिन ये पुस्तकें तो नहीं। यह भी एक बहुत बड़ा कार्य है, स्वाध्याय होना चाहिए। आपके बच्चे चाहे प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, चाहे हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, चाहे वो कॉलेज में या विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनका ऐसा स्वभाव बनाइए कि वो आधा घंटा लगभग स्वाध्याय कर सकें। और स्वाध्याय के लिए उनको यदि बड़े ग्रंथ ना मिल सके, प्रयास तो होना चाहिए इस दिशा में, आगे हम भी प्रयास करेंगे, तो कम से कम कुछ मूलभूत साहित्य तो उनको मिल जाए, जिससे थोड़ा उनको बोध हो अपने सांस्कृतिक विरासत का, अपने आध्यात्मिक विरासत का, अपने ऋषियों की ज्ञान परंपरा का, आध्यात्मिक जीवन का। ये भी बहुत बड़ा क्षेत्र है। जैसे आप अपने बच्चों को प्राइमरी से लेकर के और कॉलेज यूनिवर्सिटी तक बहुत कुछ उनको पढ़ाते हैं, ऐसे ये भी एक बहुत बड़ा विषय है अध्यात्म अपने आप में। जैसे भौतिकता अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, मेटलिस्टिक वर्ल्ड अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ऐसे ही ये जो स्पिरिचुअल एजुकेशन है, आध्यात्मिक विद्या है, अध्यात्म विद्या है, ब्रह्म विद्या है, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। इसमें आपको, चलो अब ये चारों वेद, फिर दर्शन, उपनिषद और तमाम शास्त्र, ये इतने उपलब्ध नहीं हो पाए, कुछ कुछ प्रयास कर रहे हैं हम भी कि ये उपलब्ध हों। तो इन शास्त्रों के सार रूप में कुछ पुस्तकें जो है वो आपको जीवन का समाधान, एक बहुत ऊंचे महापुरुष हुए इस युग के एक ऋषि, जैसे एक ऋषि, ऋषियों की एक परंपरा है और ऋषियों के जीवन का एक स्तर होता है कि उनके जीवन में इतनी दिव्यता होनी चाहिए, तो जो एक ऋषि कोटि का जीवन होता है, ऐसा जीवन जिस महापुरुष ने जिया, उनके सारे उपदेशों के सार और उसके जो वैदिक संदर्भ भी साथ साथ में श्रद्धेय गुरुदेव ने बहुत पुरुषार्थ करके लिखे हैं। तो ये एक पुस्तक है जीवन का समाधान। बहुत तरह के हमारे सामने प्रश्न आते हैं, खास करके भावनात्मक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से। तो ये जीवन का समाधान, और हम सभी साधना के पथ पर चलने वाले पथिक हैं, तो ये साधना पथ। और एक है ये साधक पाथे, तो हमारा प्रयास होगा कि जिन भाइयों के पास भी, कितने भाइयों के पास ये पुस्तकें हैं, कुछ को इसका मतलब पिछली बार मिल चुकी हैं, तो जिनके पास ये पुस्तकें नहीं हैं वो सभी ये पुस्तकें ज़रूर लेकर के जाना, और रोज़ एक ही पृष्ठ पढ़ लेना, तो भी आपके जीवन में प्रकाश निरंतर बना रहेगा। अभी जो हम भजन गा रहे थे कि जिंदगी का सफ़र करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले, हमारे भीतर प्रकाश रहना चाहिए। हमारे व्यक्तित्व के हजारों पहलू होते हैं, जैसे हमारा ये भौतिक अस्तित्व है, इसके भी हजारों पहलू हैं। एक एक स्टेम सेल, सेल उनसे बनने वाले टिश्यू, उनसे बनने वाले डिफरेंट ऑर्गेन्स, पूरा सिस्टम, वो अपने आप में बहुत रहस्यपूर्ण, रोमांचक, वैज्ञानिक और अथाह है अपने आप में। ऐसी हमारा भावनात्मक अस्तित्व भी बहुत अथाह है। इस शरीर के लिए जैसे रोज आपको कम से कम कितनी बार खाने की आवश्यकता रहती है, कम से कम 2 से 3 बार। अभी आजकल डाइट सजेस्ट की जाती है कि आप 4 बार यदि थोड़ा थोड़ा खाते हैं तो वो ज़्यादा उपयुक्त होता है, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है। 4 बार आपने आहार दिया अपने देह को, और ये देह तो बहुत छोटा है, इसकी यदि डायमेंशन को देखा जाए तो कितना होगा,
आधा फिट या जो ज़्यादा तगड़े होंगे तो 1.5 से 2 फिट डायमीटर यहाँ से होगा, आगे पीछे से मापो तो, साइड से मापो तो भी 1.5-2 फिट से ज़्यादा नहीं होगा, और पूरी ऊंचाई माप लो तो 5, 5.5 और 6 फिट से ज़्यादा नहीं होगा। ये भौतिक अस्तित्व तो हमारा बहुत छोटा है, हमारा भावनात्मक अस्तित्व तो बहुत बड़ा है। कितना बड़ा? यस्मि चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हमारा जो भावनात्मक अस्तित्व है, जो हमारा आत्मिक अस्तित्व है, वो तो इतना बड़ा है जितना बड़ा ये ब्रह्मांड। अब इस छोटे से पिंड के लिए हमको 2-3 बार की खुराक चाहिए, तो अपने इस आध्यात्मिक अस्तित्व के लिए, अपने भावनात्मक अस्तित्व के लिए आपको 1 बार तो कम से कम खुराक चाहिए। और जैसे जो हम आहार लेते हैं वो 24 घंटे उसकी एक सुनिश्चित मात्रा देह को मिलती रहती है, उससे शरीर चलता रहता है, बॉडी एनर्जी को स्टोर कर लेती है। एक एक सेल और पूरी बॉडी, यदि उसको जो है सामूहिक तौर पर कहा जाए तो ये पूरा देह मन 24 घंटे के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता रहती है उतना ऊर्जा ये संचित करके रखता है। यदि आपके शरीर में ऊर्जा की कमी पड़ जाए तो आप एक कदम भी आगे नहीं चल सकते, आप चक्कर खा के गिर जाएंगे। खाली शुगर की मात्रा कम पड़ जाए, ग्लूकोज ही कम पड़ जाए तो आप एक कदम नहीं चल सकते। ग्लूकोज की कमी हो जाए, शुगर डाउन चला जाए, जो शुगर भूखे पेट करीब 70 से 100 के आसपास और खाने के बाद में 100 से 125 के बीच बना रहना चाहिए। यदि वो शुगर आपका 50 पर आ जाए या उससे डाउन चला जाए तो आप चक्कर खा के गिर जाएंगे, और यदि ज़्यादा चला जाए कम तो हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएंगे, आप माने मृत्यु हो सकती है आपकी। कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है शुगर डाउन होने से, माने एक शर्करा की कमी होने से आपकी मौत हो सकती है। बात छोटी सी है, आपके शरीर में शुगर की तरह ही जो है रक्त के प्रवाह की भी गति सुनिश्चित होती है, उसको रक्तचाप के द्वारा मापते हैं। यदि निम्न रक्तचाप हो जाए तो भी आदमी बेहोश होकर के और मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। फिर कुछ बहुत सूक्ष्म तत्व होते हैं शरीर में, उनकी बहुत माइनर भी कमी हो जाए तो भी कुछ भी हो सकता है। जैसे विटामिन डी है, विटामिन B12 बहुत डाउन चले जाए तो आपको डिप्रेशन से लेकर के हार्ट प्रॉब्लम से लेकर के और कैंसर तक की बीमारी हो सकती है। छोटी सी तत्व है, विटामिन डी आपका बहुत डाउन चला गया और लगातार वो डाउन बना रहा तो आपको कैंसर हो सकता है। छोटे छोटे तत्व TLC DLC WBC RBC गड़बड़ हो जाए तो आपको ब्लड कैंसर हो सकता है। भौतिक तत्वों के प्रति हम बहुत सजग हैं, इसलिए टेस्टिंग कराते रहते हैं कि मेरा ब्लड प्रोफाइल क्या है। तो जैसे हम अपने इन भौतिक तत्वों के प्रति बहुत सजग रहते हैं, ऐसे ही अपनी जो स्पिरिचुअल प्रोफाइल है, जो आपके मन की प्रोफाइल है, ब्लड प्रोफाइल के प्रति, बॉडी के प्रोफाइल के प्रति तो सजग हैं हम लोग, और ये तुरंत हमें एहसास भी हो जाता है कि भाई अभी चक्कर आ रहे हैं, अभी तो आंखों के सामने अंधियारा सा आ रहा है, बॉडी में कुछ वीकनेस लग रही है, कुछ का शौच से, कुछ का मूत्र से, मल से, मूत्र से, आंखों के देखने से, कुछ सुनने से, नींद आने ना आने से, आपके पाचन तंत्र के अंदर के इंडिकेशन से, हार्ट की पल्पिटेशन से, इन चीज़ों से बहुत सी चीज़ों का अनुमान हो जाता। आप उसके प्रति तुरंत सजग हो करके और उसकी पूर्ति करते हैं। भावनात्मक स्तर पर भी इंडिकेशंस तो बहुत आते हैं, लेकिन हमारी बेहोशी का स्तर इतना ऊंचा होता है कि हम उसका उपचार नहीं करते हैं।